प्राजक्ता एमएनएस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरें। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अब खबरें विस्तार से। मुंबई के जुहू हेलीपैड से उड़ान लिए हुए चार्टर्ड प्लेन की घाटकोपर में प्लेन क्रैश के चलते 5 व्यक्तियों की मौत हो गई। इस दुर्घटना से एक खबर सामने आई है कि मारिया जुबेरी इनको खराब मौसम में भी विमान परीक्षा लेने का आदेश दिया गया था। ऐसा आरोप मारिया के पति ने किया। आशीर्वाद मला मिळाला आणि या मतदार संघात कमी वेळात अतिशय शिक्षकांनी आणि माझ्या सहकाऱ्यांनी काम करून मला जास्त मतांनी घोघत यश प्राप्त करून दिलं। त्याबद्दल सर्व शिक्षक मतदार बंधू भगिनींचं मी जाहीर आभार मानतो। नागपूर विद्यापीठ अंतर्गत आने वाले मास कम्युनिकेशन कॉलेज के प्राध्यापक ने परीक्षा शुल्क में किया घोटाला, जिसके चलते 300 छात्राओं के भविष्य अंधेरे में नजर आ रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने प्राध्यापक को हिरासत में लिया और तफ्तीश चालू है। ये गणेशपेट पुलिस स्टेशन के एरिया में आशीर्वाद टॉकी जो है उसके ऊपर सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड फैशन टेक्नोलॉजी महाविद्यालय है, इसके संचालक सुनील मिश्रा जी हैं। उनके पास हर साल के करीबन 300 के आसपास विद्यार्थी हैं, जो उन्होंने हर साल अपने हिसाब से कोई 1000 रुपया, कोई 1100 रुपया एडमिशन दे के ये रुपया भर के एडमिशन लिया है। जब उन्हें पता चला कि एक साल होने के बाद एग्ज़ाम का वक्त आ गया है, बाकी के कॉलेज के विद्यार्थी जो स्टूडेंट है उन्हें हॉल टिकट मिला है, उन्हें नहीं मिला, तो वो संचालक को पूछने गए, स्टाफ को पूछने गए, तो बोले तो हमारा स्पेशल केस है, आपका यूनिवर्सिटी से आने वाला है, आज आएगा कल आएगा, लेकिन आया नहीं, एग्ज़ाम पूरी ख़त्म हो गई। तो उन्होंने फिर तहकीकात की यूनिवर्सिटी में जाकर, तो यूनिवर्सिटी में जाकर उन्हें ऐसा पता चला कि ये जो इंस्टीट्यूट है मास कम्युनिकेशन, वो इंस्टीट्यूट के संचालक ने, उन्होंने बॉडी ने, ये सुनील मिश्रा और उनके लोगों ने कुछ विद्यार्थियों के पैसे एग्ज़ाम फी उन्होंने यूनिवर्सिटी में डिपॉजिट नहीं की है, और जो क्लासेस चलने चाहिए थे वो क्लासेस वो यूनिवर्सिटी में उसे क्लास हुए नहीं जितने अपने को उचित लगते हैं नियमों के अनुसार, और जितने भी टीचर अवेलेबल होना चाहिए उतने नहीं हैं। ये सब उन्होंने तहकीकात करके ऐसा बताया है, इसलिए उनके जवाब लिए गए। अभी तक हमारे तरफ 11-12 स्टूडेंट आए हुए हैं, उनके ऊपर से हमने ये अश्वनी प्रदीप रंगारी, ये जो स्टूडेंट है सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की, और उसने जो लिया था अपना फैशन डिज़ाइन का कोर्स लिया था, और उसने भी 1000 रुपये फ़ी भर दी थी, लेकिन उसे भी उसके साथ जो 9 लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ और लड़कियाँ, उनको भी फंसाया गया है, और उनके अलावा 300 के आसपास करीबन विद्यार्थी है जो अभी तक हमारे सामने आए नहीं। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरें देखने के लिए एमएनएस इंडिया प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। नमस्कार।